हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम रियर बैक सीट को फोल्ड कर सकते हैं। आपको पता ही है इसका बूट स्पेस 235 लीटर्स है और जब हमें कभी बहुत ज़्यादा लगेज गाड़ी के अंदर कैरी करना है तो हमें इसकी सीट फोल्ड करनी ही पड़ेगी। सब गाड़ियों में ऐसा नहीं होता, रियर सीट फोल्डिंग ऑप्शन आता है लेकिन इस गाड़ी के अंदर है। सेलेरियो की सारे वेरिएंट्स के अंदर सीट फोल्डिंग का ऑप्शन आता है। तो आइए हम जानते हैं कैसे करेंगे हम सीट फोल्ड। आप देख सकते हैं इसकी सीट जो है, हम इसे यहाँ से इसका बैक लिड हटाएंगे जिससे आप क्लियरली देख सकेंगे और इसे यहाँ डाउन रख देंगे। तो आप देख सकते हैं ये दो सीट जो डिवाइड है 40-60 के रेशियो में, इन्हें हम कैसे बेंड करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे राइट साइड वाली में यहाँ पर एक कॉर्ड दे रखी है इस सीट को डाउन करने के लिए, और सिमिलरली हमें लेफ्ट साइड में भी एक कॉर्ड दे रखी है जिसे आप खींच के सीट को डाउन कर सकते हैं। अगर आप इस सीट को जस्ट यूं फॉरवर्ड की साइड से पुश करेंगे तो सीट फोल्ड नहीं होगी, दोनों ही सीट्स देखिए फोल्ड नहीं हो पा रही है। तो आपको क्या करना है, पहले जो लेफ्ट साइड की कॉर्ड है उसे आप पुल करेंगे, उसके बाद जब आप सीट को पुश करेंगे तो ये डाउन हो जाएगी। सिमिलरली जो राइट साइड में सीट है उसकी इस कॉर्ड को भी हम पुल करेंगे और फिर सीट को पुश करेंगे, आपकी सीट डाउन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों ही सीट्स फोल्ड कर दी हैं रियर की, और अपनी जो लगेज स्पेस को है वो बढ़ा दिया है। तो जब भी हमें बहुत ज़्यादा लगेज ले जाना हो तो इस तरीके से हम कार की सीट को फोल्ड कर सकते हैं। तो आई इस वीडियो में हमने जाना कैसे हम सेलेरियो कार की बैक सीट को, रियर सीट को फोल्ड कर सकते हैं। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।